पास 10th क्लास है। आज हम आपको काव्य खंड से पाठ 13 अथवा अंतिम पाठ जो कि पंडित श्याम नारायण पांडे जी है उसको हम पढ़ा देते हैं। और यहाँ पर आपका जो काव्य साहित्य है ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है क्योंकि ये 13वां पाठ है और आपके पाठ का ये अंतिम भी है। तो हमने आपको इसके पहले श्याम नारायण पांडे जी का जीवन परिचय पढ़ा दिया है। आज हम आपको इनके लिखी जो कि प्रबंध काव्य है हल्दी घाटी उसको पढ़ा देते हैं। इस प्रबंध काव्य में श्याम नारायण पांडे जी ने महाराणा प्रताप और अकबर के बीच प्रसिद्ध ऐतिहासिक युद्ध पर यह लिखा गया है। और इसमें कवि ने महाराणा प्रताप के शौर्य त्याग आत्मबलिदान और उसके जो गौरव था उनके आधार बनाते हुए कवि ने मध्यकालीन का इतिहास था उसमें जो हमारे राजपूत थे जो राजा थे उनके प्रति अपनी श्रद्धा को भी दर्शाया है। तो यहाँ पर कवि ने महाराणा प्रताप के प्रति जो शौर्य था जो उनका वीर थे वे उनका जो त्याग था जो उन्होंने आत्मबलिदान किया उसके बारे में भी बताया है। और जो मध्यकाल के समय जो राजा थे उनके प्रति अपने श्रद्धा भाव को भी दिखाया है। मेवाड़ केसरी देख रहा केवल रण का ना तमाशा था वह दौड़ दौड़ करता था रण वह मान रक्त का प्यासा था चढ़ चेतक पर घूम घूम कर करता सेना रखवाली था ले महामृत्यु को साथ साथ माने प्रत्यक्ष कपाली था। तो यह कवि यह जो लिखा गया है यह वीर रस में लिखा गया है। तो इसमें कवि ने हल्दी घाटी की जो युद्ध भूमि है उसमें महाराणा प्रताप द्वारा दिखाए गए रण कौशल का एक दृष्टांत वर्णन किया है। और कहते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध में मेवाड़ केसरी अर्थात राणा प्रताप केवल युद्ध का तमाशा ही नहीं देख रहा था बल्कि वहां दौड़ दौड़ कर इसी प्रकार युद्ध भी कर रहे थे। तो वहां पर जब महाराणा प्रताप थे वह सिर्फ वहां पर खड़े नहीं थे बल्कि दौड़ दौड़ कर युद्ध भी कर रहे थे मानो वह मान सिंह के रक्त के प्यासे हो। तो यहाँ पर किसका महाराणा प्रताप का और मान सिंह के बीच युद्ध को दिखाया गया है कि ऐसा लग रहा था कि जो महाराणा प्रताप जी हैं वो मान सिंह के रक्त के प्यासे हैं। महाराणा प्रताप अपने चेतक पर घोड़े पर सवार होकर अपनी सेना की रखवाली करते हुए इस प्रकार युद्ध कर रहे थे मानो अपने साथ मृत्यु का प्रलयकारी भीषण रूप लिए साक्षात महाकाल युद्ध भूमि में आकर धमका हो। कि मतलब वो इस तरह से युद्ध कर रहे थे कि जैसे लग रहा हो कि स्वयं महाकाल उस युद्ध भूमि पर आ गया है। कहने का अर्थ यह है कि हल्दी घाटी के युद्ध में जब शत्रु सेना का नेतृत्व करता हुआ मान सिंह युद्ध में राणा प्रताप के सामने आया तो राणा प्रताप मान सिंह के नेतृत्व में भेजी गई मुगल सेना में उथल पुथल मचा दिया। कि जब मान सिंह युद्ध में राणा प्रताप के सामने आया तो राणा प्रताप ने क्या किया कि मान सिंह के नेतृत्व में जो भेजी गई मुगल की जो सेना थी जो मुस्लिम साम्राज्य की जो सेना आई थी उसका उन्होंने क्या किया कि उथल पुथल मचा दिया गया था। तो इसमें जो काव्य संग्रह है काव्य सौंदर्य है वो यह है कि इसमें हल्दी घाटी की युद्ध भूमि का एक दृष्टांत वर्णन हुआ है। इसमें रस है वीर रस छंद है मुक्तक और अलंकार है श्लेष। अगला है चढ़ चेतक तलवार उठा रखता ता भूतल पानी को राणा प्रताप सिर काट काट कर करता था सफल जवानी को सेना नायक रण के भी रण देख देख चाह भरे मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दूने तीने उत्साह भरे।
तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि राणा प्रताप युद्ध भूमि में तलवार उठाकर चेतक पर सवार होकर युद्ध करते थे, तो ऐसा लगता था कि मतलब जब महाराणा प्रताप जी युद्ध भूमि पर अपने घोड़े पर सवार होकर युद्ध कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि मानो अपने अंदर भूतल में स्थित पानी अर्थात असीम शौर्य को धारण कर लिया हो। तो उस समय कैसे लग रहा था, जैसे लग रहा था कि उन्होंने अपने अंदर एक असीम शौर्य को अपने अंदर धारण कर लिया हो। युद्ध करते हुए राजा के अंदर असीमित साहस दिखाई पड़ रहा था कि मतलब युद्ध करते हुए महाराणा जो थे उनके अंदर जो है बहुत सारी जो वीरता थी वो दिखाई दे रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो पराक्रमी वीर था जो शत्रु के सिर काट काट कर अपनी जवानी का वास्तविक परिचय दे रहा था। तो उस समय उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई पराक्रमी वीर है जो कि अपने शत्रुओं का, जो उसके शत्रु थे उसकी सेना सिर काट काट कर अपनी जवानी का वास्तविक परिचय दे रहा था। राणा प्रताप की सेना के कुशल सैनिक राणा प्रताप को रण देख देख कर और उत्साहित होकर युद्ध कर रहे थे। तो उस समय जो महाराणा प्रताप के जो सैनिक थे वे भी राणा प्रताप के को देखकर, उसके उत्साह को देखकर, उनके शौर्य को देखकर वे भी उत्साहित होकर युद्ध में लड़ रहे थे। वे राणा के प्रताप को देखकर दुगने तुगने उत्साह के साथ युद्ध के लिए आगे बढ़ रहे थे। तो उनके जो सैनिक थे वे राणा प्रताप का युद्ध देखकर उसके प्रति दुगने तिगुने उत्साह के साथ वे युद्ध के लिए आगे बढ़ रहे थे। क्षण मार दिया कर कोड़े से, रणकिया उतार कर घोड़े से, राणा रण कौशल दिखा दिखा चढ़ गया उतर कर घोड़े से, क्षण भीषण हलचल मचा मचा रणकर की तलवार बढ़ी, राणा कर था सोर रक्त पीने का या रणचंडी जीभ पसार बढ़ी। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि युद्ध भूमि में राणा प्रताप का रण कौशल को देखकर चकित हो गया कि वहाँ पर जितने लोग खड़े थे युद्ध भूमि पर तो वे राणा प्रताप को देखकर बिल्कुल चकित हो गए। वह उसके कौशल को देखकर कहता कि राणा प्रताप इस तरह युद्ध कर रहे थे कि कहीं वह शत्रु में हाथ के कोड़े से हमला करते तो कहीं घोड़े से उतरकर युद्ध करने लगता। तो महाराणा प्रताप जी कभी कोड़े से हमला कर रहे थे तो कभी घोड़े से उतरकर युद्ध करने लगते। उनका घोड़े से कहीं उतरकर और कहीं चढ़कर युद्ध करना देखने ही बनता है। तो उनके जो जब वे युद्ध कर रहे थे कभी घोड़े से उतरकर, कभी उसके ऊपर चढ़कर, कभी कोड़े से हमला कर रहे थे तो यह सब बिल्कुल आश्चर्यचकित सा प्रतीत हो रहा था। राणा प्रताप युद्ध स्थल में अपनी तलवार से सेना शत्रु सेना पर जिस ओर हमला कर देता वही हाहाकार मच जाता कि जब राणा प्रताप जिस भी ओर शत्रुओं से हमला कर रहे थे उस तरफ एकदम से हाहाकार मच जा रही थी। शत्रु सेना में इस तरह शोर मच रहा था मानो वह राणा प्रताप नहीं बल्कि स्वयं महाकाली खंडक लेकर रक्त पीने के लिए अपनी जीभ प्रसार रखी हो। तो मतलब वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि मतलब स्वयं महाकाली अपने खंडक को लेकर रक्त पीने के लिए खड़ी हो। तो राणा प्रताप को देखकर बिल्कुल ऐसा ही अनुभव हो रहा था। वह हाथी दल पर टूट पड़ा मानो उस पर पवी छूट पड़ा, कट गई वेग से भू ऐसा सौंडित का नाला फूट पड़ा, जो साहस कर बढ़ता उसको केवल कटाच से टोक दिया, जो वीर बना नभ बीच फेंक बरछे पर उसको रोक लिया। यहाँ पर कवि कहते हैं कि राणा प्रताप शत्रु सेना के हाथी दल पर इस भांति हमला कर रहे थे कि मानो संपूर्ण वेग से भाले को वार किया गया हो और उस वेग से हाथी दल से इस भांति लहू की धारा फूट पड़ी, जैसे कि भूमि भाले को प्रहार से फट पड़ी हो और उसे
जल के वेगपूर्ण नदी सा फूट गया हो। तो मतलब जब राणा प्रताप भाले से वार कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि मतलब वहाँ पर खून की नदियाँ बह रही हों और उसे कोई रोक नहीं पा रहा था। क्षण उछल गया अरि घोड़े पर, क्षण लड़ सो गया घोड़े पर, बैरी दल से लड़ते लड़ते क्षण खड़ा हो गया घोड़े पर, क्षण से में गिरते रुंडों से मदमस्त गजों के सुंडों से, घोड़े के विकल त्रिदुंडों से पट गई भूमि नरमंडल से। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि यदि कोई शत्रु राणा प्रताप पर हमला करने के लिए उठा भी तो वह धराशायी हो गया, कि अगर कोई भी राणा प्रताप के आगे हमला करने के लिए उठ रहा था तो वो भी वहीं पर धराशायी मतलब गिर जा रहा था। कि अर्थात राणा प्रताप द्वारा उस घोड़े पर की ढेर कर दिया था, वहाँ पर घोड़े पर सवार होकर उन्होंने सभी को एक तरफ से ढेर कर दिया था। राणा प्रताप के पराक्रम का बयान करते हुए कवि कहता है कि शत्रु सेना से लड़ते लड़ते कभी कभी अपने घोड़े पर खड़े हो जाते थे और कभी इस प्रकार प्रचंड शत्रुओं के विशाल दलों को वह खदेड़ खदेड़ कर उन पर हमला करते थे। कि कभी वे घोड़े पर खड़े होकर हमला करते थे और कभी क्या करते थे, शत्रुओं को खदेड़ खदेड़ कर उन पर हमला करते थे। राणा प्रताप के हमले से शत्रुओं के धड़ हाथियों के सुंडों के समान गिर गए। तो उनके जो राणा प्रताप के हमले से जो शत्रु थे उनका जो धड़ था वो कैसा था कि वो पूरा ज़मीन पर गिरा हुआ था। हाथियों और घोड़ों की भयंकर विकलता के कारण युद्ध भूमि नरमुंडों से पटी हुई दिखाई दे रही थी। वहां पर क्या हुआ था, जहां पर युद्ध स्थल था वहां पर क्या हो रहा था कि सिर्फ शत्रुओं की जो सर कटी हुई नरमुंडी मतलब सिर्फ उनके सर का जो धड़ अलग गिरा था और जो सर होता है वो अलग गिरा हुआ था। तो वहाँ पर युद्ध की जो भूमि थी वहाँ पर सिर्फ नरमुंडों से पटी हुई दिखाई पड़ रही थी, मतलब केवल सर ही सर वहाँ पर गिरा हुआ दिखाई दे रहा था। ऐसा रण राणा करता था पर उसको था संतोष नहीं, क्षण क्षण आगे बढ़ता वह पर कम होता था रोष नहीं, कहता था लड़ता मान कहाँ, मैं कर लूँ रक्त स्नान कहाँ, जिस पर तय विजय हमारी है वह मुगलों का अभिमान कहाँ। फिर यहाँ पर कहते हैं राणा प्रताप जी के बारे में कवि कहते हैं कि राणा इस तरह भयंकर युद्ध करता था कि वह रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। कि महाराणा प्रताप ऐसे युद्ध कर रहे थे, ऐसे भयानक युद्ध कर रहे थे कि वे वहाँ पर रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह युद्ध में जैसे जैसे आगे बढ़ता था वैसे वैसे उसका और भी युद्धों का उत्साह बढ़ता जा रहा था। कि जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहे थे उनके जो अंदर युद्ध का उत्साह था वह भी आगे बढ़ता जा रहा था। राणा प्रताप कहता था कि युद्ध भूमि में मान सिंह का उसमें मुकाबला करना मान सिंह के बस की बात नहीं। कि मतलब कह रहे हैं कि युद्ध भूमि में मान सिंह का उनसे हमला करना मान सिंह के बस की बात नहीं। और उसके हाथों राणा का सिर रक्त रंजित हो गया, यह कदापि नहीं हो सकता। कि उनके जो हाथ में हाथों पर रक्त का जो उनके जो हाथों पर राणा का शरीर में रक्त से पूरा संचित हो गया था। राणा यह पूर्ण विश्वास के साथ कहता कि युद्ध में विजय होंगे यह पूर्ण निश्चित है। उसे विश्वास था कि हम इस युद्ध में पूर्ण ही विजय होंगे, उसके जीते ही मुग़ल सेना अभिमान प्रकट करेगी यह कदापि नहीं हो सकती। कि अगर मुग़ल सम्राट यहाँ पर जीत गया तो वह अपने पर स्वयं पर अभिमान प्रकट करेगी तो यह बिल्कुल भी नहीं हो सकता, हमें इस युद्ध में किसी भी तरह से जीतना है। तो ये हो गया आपका जो हल्दी घाटी पंडित श्याम नारायण पांडे जी द्वारा लिखा एक प्रबंध काव्य था, इसकी हमने व्याख्या आपको बता दी है, आप इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा ये आपके प्रश्न उत्तर हैं जिसमें कि निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त परिचय दीजिए, इसमें आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। तो इसके प्रश्न उत्तर आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा
और इसके अलावा पंडित श्याम नारायण पांडे जी का जीवन परिचय और उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए, तो इनका आप जीवन परिचय अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ये जो शॉर्ट वाले क्वेश्चन है इसको आप अपनी कॉपी में करेंगे, और दीर्घ में आपका विस्तृत उत्तरी जो प्रश्न है उसमें आप श्याम नारायण पांडे जी का जीवन परिचय लिखेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।